बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुख्तलिफ मुल्कों के इंसानों की तबीयत, अरबों को ऊँट का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए इनकी तबीयत में सख्ती का अंसर बहुत पाया जाता है। तुर्कों को घोड़े का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए इनमें ताकत, जुर्रत और अकड़पन का अंसर ज़्यादा पाया जाता है। अंग्रेज़ों को खंजीर का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए इनमें फांसी वगैरह का अंसर ज़्यादा पाया जाता है। हफ्शी अफ्रीकी बंदर खाने में, इसलिए इनमें नाच गाने की तरफ मैलान ज़्यादा पाया जाता है। इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसको जिस हैवान के साथ अंस होता है उसकी तबीयत में इस हैवान की आदतें गैर शऊरी तौर पर शामिल हो जाती हैं, और जब वो इस हैवान का गोश्त खाने लग जाए तो इस हैवान के साथ मशाबत में मजीद इजाफा हो जाता है। हमारे ज़माने में फार्मी मुर्गी खाने का रवाज बन चुका है, चनाचे हम भी मुर्गियों की तरह सुबह और शाम चूँ 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 तो बहुत करते हैं, लेकिन एक एक करके हमें ज़िबा कर दिया जाता है। फार्मी मुर्गी का गोश्त खाने की वजह से हम में सुस्ती, काहली की, एक जगह टिक कर बैठने की, सर झुकाकर चलने की और पस्ती में रहने की आदतें पैदा हो चुकी हैं।